नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ विकास सिंह। बेतहाशा गर्मी हो, कड़ाके की ठंड हो या भारी बारिश हो, हम सब देखते हैं इसे। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण है, जो गर्मी में ज़्यादा गर्मी, ठंड में ज़्यादा ठंड और बारिश या बेमौसम बारिश हो जाती है। कल संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के विषय पर बोलते हुए कहा कि अब हमें नीतियां बनाने की जरूरत नहीं, कार्रवाई करने की जरूरत है। कितना गंभीर है ये मुद्दा, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में जो हमारे साथ खास मेहमान हैं, हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ज्योति प्रकाश जी और डॉक्टर बीआर सिंह जी, वैज्ञानिक। आप सभी लोगों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कल प्रधानमंत्री ने जो अहमियत बताई संयुक्त राष्ट्र संघ में जलवायु परिवर्तन को लेकर, उन्होंने साफ कहा कि ढेर सारी नीतियां बनती रहती हैं, लेकिन भारत के लिहाजे से भारत एक विकासशील देश है, उसके बावजूद भी क्लाइमेट कंट्रोल के लिए जो आज भारत कर रहा है, शायद दुनिया के वो बड़े देश जो जिनका बड़ा हाथ है भागीदारी कार्बन उत्सर्जन में, वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत एक अलग हट के काम कर रहा है। उन्होंने पूरे विश्व से आह्वान किया कि जलवायु परिवर्तन के लिए अब मिलकर एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। आप कैसे समझते हैं, कितनी गंभीर समस्या है ये, और किस विषय को एक बड़े मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री जब ये बात उठाते हैं तो कितनी दूर तक जाएगी ये बात? देखिए, मैं तो पहले समस्त भारतवासियों का अभिनंदन करूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तर पर यूनाइटेड नेशन में जो 73 देशों के लोग आकर के इवन के ये संयुक्त जो जलवायु परिवर्तन पर एक चर्चा का विषय था, उस पर चर्चा हुई। और हमारे एड्रेस में हमारे प्रधानमंत्री जी को न्यूजीलैंड और आइसलैंड के बाद तीसरा एड्रेस करने का मौका मिला, और मौके में भी वो बहुत कम समय था, तो कम समय में उन्होंने पूरे विश्व को ऐसे संदेश दिया है जो कि हमें और पूरे देशवासियों को फक्र होना चाहिए कि ऐसा जो विकास शील देश है वो कटिबद्ध है कि हम पहले तो हमने 2% कार्बन कंट्रोल की बात की जी। जो कि आपको बताया गया पेरिस समिति में जी। उस समय भी कितने देशों ने उसका समर्थन, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है उसने तो समर्थन ही नहीं किया है, साल भर पड़ा उस पर लेकर के उस पर डिस्कस करता रहा। और आज भारत में 2% कार्बन का कंट्रोल ये दिखने लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सोलर की छतों पर और सौर ऊर्जा का उपयोग हुआ, वैकल्पिक ऊर्जा है, हाँ, उस पर बड़ा भारी काम हुआ। कल उन्होंने जो चर्चा की मुख्यतः उन्होंने इस पर जिक्र किया कि देखिए, हमने अपने देश में 175 रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर हमने 175 गीगावाट का एक लक्ष्य रखा है, लेकिन ये लक्ष्य हमारा अभी जो 2022 तक हाँ है, लेकिन इसको हम आगे दूरगामी ले जाना चाहते हैं, 450 गीगावाट। आप सोचिए, 450 गीगावाट अगर हमारे यहाँ हो जाता और हमारी जो क्षमता अभी अन्य थर्मल और इससे है आपके जल परियोजना से, तो हमारे यहाँ सरप्लस हो जाएगी बिजली। अभी भी आप देखते हैं गांव देहात में भी आपके 98% आपको मिल रहा है। इन सब का उन्होंने एक समाहित करके उन्होंने कहा हम ग्रीन व्हीकल्स के लिए हम ई मोबाइल यूज करेंगे कि उसका मूवमेंट जो है हमारे ग्रीन उस पर रहेगा, तो उनका इशारा इस पर था कि हम जो है अपना सौर ऊर्जा के बेसिस पर करेंगे। और ये एक बात सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने की कि हमारा ही देश है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को उसको रोकने का पूरा आगे उन्होंने शुरुआत कर दी है, आह्वान किया है, और अभी आंदोलन चलेगा आगे जिसको जन आंदोलन बनाया प्रधानमंत्री जी ने। प्रोफेसर ज्योति, हम जानना चाहेंगे आपसे कि विकासशील देश हैं हम अभी से कदम उठाने लगे हैं, लेकिन दुनिया के वो देश जो बहुत आगे विकसित देश हैं उन्होंने प्रकृति का दोहन किया। अब जब हमारी बारी आई, हमको भी आगे बढ़ना है, तो अब इस तरीके की जो है कि सम्मेलन में भारत तभी भी एक आगे बढ़ चढ़ कर भूमिका निभा रहा है। कितना जरूरी होता है विकास के लिए प्रकृति का, नेचर का यूज करना, और अन्य देश जो इसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे,
क्यों, आखिर क्या कारण है विकास के पीछे दौड़ते दौड़ते? कल एक संयुक्त राष्ट्र संघ में एक वाक्य भी हुआ कि एक लड़की जो इसी पे काम कर रही है उसने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी बढ़ाने के लिए आर्थिक ढेर सारे सम्मेलन होते हैं, लेकिन ऐसे सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के लिए जो इसके लिए प्रधानमंत्री बेहद गंभीर काफी पिछले समय से हैं, इस पर एक बड़ी चर्चा क्यों नहीं होती है और इस पर बड़ा काम क्यों नहीं होता है? चर्चा तो पीछे रह गई, अब काम करने की जरूरत है। कितना गंभीर बनता जा रहा है ये विषय। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम जिस अहम मुद्दे पर बात करने बैठे हैं, ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है और इसको अब हम सिर्फ बात करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारी प्रॉब्लम इससे नहीं सुधर सकती है, अब हमें इस पर कुछ करना होगा। अभी न्यूयॉर्क श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज पर जो बातें कही वहां पे, तो उन्होंने उसमें कुछ पॉइंट्स रखे, कुछ उनके ऑब्जेक्टिव रखे कि हमको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पूरी करनी है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पेरिस में 2015 में कुछ एक्शन प्लान्स लिए तैयार किए गए थे कि हमको ये स्ट्रैटेजी जो हमारी बनाई थी उनको हमको फुलफिल करना और कंप्लीट करना है। तो उन्होंने ये कहा कि अब ये टाइम आ गया है कि हमने उस पर क्या काम कर लिया है और हम उसको किस हद तक कर, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं उनको हमें उसको पूरा करना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है हमको उसको कैसे पूरा करना है, साथ ही साथ जो हम बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं उस बायोफ्यूल को हम पेट्रोल में डीजल में उसकी जो रेशियो है उसको मिक्स करके जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसका रिडक्शन किस हद तक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको जो हमारा कम्फर्ट जोन है जिसमें हम रहते हैं हम उससे निकलना नहीं चाहते और हमें उससे बाहर निकलना ही होगा। जब तक हम उससे निकलेंगे नहीं तब तक हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेंगे। और सिर्फ बातें ही नहीं, हमें उस पर काम भी करना होगा। अभी जो चर्चा हुई न्यूयॉर्क में, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि एक जल सेवा जल मिशन पे उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उन्होंने ये बोला कि हम उस पर $50 मिलियन के करीब जो है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हम वाटर रिसोर्सेज हैं जो उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है हमको उसको रिड्यूस करना है। तो ये सारे ही सारे वाटर रिसोर्सेज हैं, एयर पोल्यूशन है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमको इनको ठीक करना होगा। जी 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 बिल्कुल, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं। साहब, हमारे धान में भूरा धब्बा रोग लग रहा है। इस रोग के लिए मैंकोजेब 75% WP की 2 किलोग्राम मात्रा को 500 से 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। साहब, हमारी धान की फसल में जीवाणु झुलसा रोग लग रहा है। जीवाणु झुलसा और जीवाणुधारी रोग के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% के साथ टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% को 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP के साथ मिलाकर 500 से 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। डॉक्टर सिंह, अगर बात कर जलवायु परिवर्तन की हो रही है तो ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इससे दिक्कतें क्या क्या आती हैं। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया शुरुआत में ही कि गर्मी में बेहद गर्मी, ठंड में बेहद ठंड, या बारिश या सैलाब आना, या बिजली आकाशीय गिरना, क्या ये सब कारण उसी प्रकृति का जो कंट्रोल अलग अलग हो रहा है जलवायु परिवर्तन के, वो कारण है? और उससे भी आगे क्या और गंभीर समस्याएं इससे गंभीर भी हो सकती हैं? मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगा कि आज ये सबको विजिबल है। जब हम लोगों को ये चीज़ें ऐसी थी कि जो अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं थी, उस समय से हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। और भारत तो हमेशा आपको प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, और प्रकृति को डिस्टर्ब ना करने, पेड़ पौधे जो भी उसके हैं, जल वायु, इसको प्रदूषित न करने का हमेशा हम लोगों ने ध्यान दिया है। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि हमारे तो ये रहा है। तो अब देखिए, अगर इसको हम किसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की व्याख्या करें तो इसका कारण ही मुख्य है कि ग्रीन हाउस गैसेस, जहाँ तक हमने दोहन किया है पृथ्वी से, तब हमने अवयवों को निकाला है, हाइड्रोकार्बन की मात्रा को निकाल करके उसको ज्वलनशील पदार्थ को उसको यूज उपयोग किया अपने एनर्जी के रूप में, और भी तमाम कंफर्ट जोन के लिए एयर कंडीशन लिया, ओजोन परत भी हमारी खत्म हुई थी और उसको अब तो रिपेयर हो रही है। तो इन सब को अगर समग्र रूप में देखा जाए तो एक ऐसी पिछले करीब कह लीजिए कि 100 साल के बाद आज जो स्थितियां पैदा हुई हैं, वो हजारों साल में ऐसी स्थितियां नहीं आई हुई थी। धीरे धीरे कोई चीज परिवर्तित होती,
अब स्थिति आपको देखिए, छोटी सी बात आपको हम बताएं कि आज ये अगर 2012 का हम अपने को ही जिक्र करते हैं, जिसको हमने लिख रखा किताब में है ग्लोबल वार्मिंग के, उसमें जिक्र किया था कि ये आने वाले समय में इतना परिवर्तन होगा कि पूरा, पहले तो मैंने जिक्र किया कि उत्तरी ध्रुव के जो बर्फ पिघल रही है उससे बर्फ पिघलने से वो धीरे धीरे उसका फैलाव बढ़ेगा और वो वेपराइजेशन उसका होगा और जाकर के समुद्र में कनाडा, यूएन और यूएसए के पास ही मिलेगा, लेकिन वो इतने जल्दी परिवर्तित नहीं होगा। वहाँ के देशों में तरह तरह के तूफान आएंगे, इतना ठंडा हो जाएगा, समुद्री तूफान आएंगे, बर्फबारी पड़ेगी और ये होगा। और यही नहीं, उसमें ये भी जिक्र है कि भारतवर्ष या पूरा विश्व भी इससे अछूता नहीं रहेगा। उससे ये स्थिति पैदा होगी कि जल, जितना जल का स्तर बढ़ेगा वेपराइजेशन, उससे ज्यादा फैलाव से बढ़ेगा। और इसकी स्थिति भारतवर्ष और विचित्र स्थिति में है, तीनों साइड से घिरा हुआ है। आज आप देखिए, चाहे वो वहां फैलिन आया हो, दूध आया हो, जिलों पर आया हो, आज की फ्रिक्वेंसियों के साल भर में तीन तीन चार चार तो आपके इस तरीके के तूफान आ रहे हैं। और सीधे आप देखिए कि अगर उड़ीसा से लीजिए और इधर चलते जाइए तो आपका इस साल महाराष्ट्र में, गुजरात में जितनी जल वृष्टि हुई भारी जल वृष्टि और उसका असर मध्य प्रदेश में पुश हो रहा, उसको दब रहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जहां बारिश नहीं होती, अब आकर के धीरे धीरे ये जितनी बारिश का तरीका है, ये कोई हमारा मानसूनी नहीं है, ये इसको कहिए कि इस चक्रवाती बारिश कहते हैं। इस तरीके की बारिश हो रहा, आया तुरंत बारिश होकर खत्म हो गई, फिर चालू हो गया। इस तरीके की स्थितियां जो कभी पहाड़ी इलाकों में हुआ करता था कि बर्फ गिर रही बारिश होने लगी और साफ हो जाता था, ये स्थिति पैदा हो गई है। जी बिल्कुल, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, प्रोफेसर ज्योति के पास चलेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। ब्रेक के बाद हम जो है कह रहे हैं फिर जल्द ही लौटते हैं। साहब, हमारे धान में भूरा धब्बा रोग लग रहा है। इस रोग के लिए मैंकोजेब 75% WP की 2 किलोग्राम मात्रा को 500 से 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। साहब, हमारी धान की फसल में जीवाणु झुलसा रोग लग रहा है। जीवाणु झुलसा और जीवाणुधारी रोग के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% के साथ टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% को 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP के साथ मिलाकर 500 से 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ज्योति, क्या एक देश एक क्षेत्र के करने से ही काम पूरा हो जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री ने कल कहा? बातें बहुत हो चुकी हैं, जरूरत अब सामूहिक पहल की है, पूरी दुनिया की पहल की जरूरत है। दुनिया में कहीं अगर कोई देश ऐसा प्रकृति का दोहन कर रहा है, कार्बन उत्सर्जन वहां बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारे पड़ोसी कुछ अगर देश की बात करें जो शायद उस पर इस मसले पर साथ नहीं आया है अभी जलवायु परिवर्तन पे, तो क्या लगता है कि सामूहिक पहल कितनी जरूरी होगी और विकासशील देशों के लिए जरूरतें अभी कितनी है, क्योंकि हमारे लिए अभी जरूरत है, हमें आगे जाना है, बाकी देश तो विकसित हो गए हैं, हमको इस सबका बैलेंस कैसे बनाकर हमें आगे चलना होगा? देखिए, विकासशील देशों को इस पर काम करने के लिए तो सबसे पहले उनको ये निर्धारित करना होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा जो उन्नति का तरीका है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि हमें उन्नत तो करना है और हम उन्नति करने के लिए अपने देश की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए हमको नेचुरल रिसोर्स का तो यूज़ करना ही करना है, पर हमारा जो नेचुरल रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है, जिसको हमको यूज़ करना चाहेंगे, चाहे इंडस्ट्री के लिए हो या घरों के लिए हो, जैसे भी जहाँ भी उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, एनर्जी के फॉर्म में हो, तो वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्वायरमेंट का दोहन नहीं करेंगे। इन्वायरमेंट का दोहन तो होगा जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे तो, पर वो हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। पर ये है कि हमें सामूहिक रूप से इसको मिलकर, प्रधानमंत्री ने जिस चीज का जिक्र किया कि हमें लालच नहीं है, हमारी जरूरत है, और अगर आपकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं तो आप फिर आगे बढ़कर आप अब आगे आइए। हाँ, तो अब जो विकसित देश हैं उनको भी आगे बढ़कर के आना चाहिए, क्योंकि वो उसमें पूरी तरीके से भागीदारी अपनी नहीं निभाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारा काम तो हो चुका है, हमारी सारी चीजें पूरी हैं और हम उसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर ऐसा नहीं है, जब हम सामूहिक रूप से कार्य करेंगे और जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो मेन चीजें रिस्पॉन्सिबल है, जो कार्बन का इमिशन हो रहा है,
प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमारे कहा कि हम जो हमारे इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन हम करेंगे, हम जो बाहर की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे औद्योगिक इकाई लगाएंगे और वो हमारी औद्योगिक इकाई ऐसी होगी जो जीरो कार्बन का इमिशन करेगी। इसी साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो डिजास्टर्स हो रहे हैं, जो आए दिन जो नेचुरल कैलामिटीज है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए उन्होंने एक नेचुरल सेलेंट करके उन्होंने एक कमेटी बनाई है, जिसका कि उसमें 33 कंट्रीज जो है तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और उसका जो मेन सेंटर बनाने के लिए कहा उन्होंने हम दिल्ली में बनाएंगे, और उस दिल्ली में जो सेंटर बनेगा वो हमारे इंडिया का ही कोई, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा भारत देश ही उसमें अग्रणी रोल निभा रहा है, सबसे मेन अहम भूमिका उसी की है। तो उन्होंने कहा दिल्ली में जो सेंटर बनाएंगे उसमें हम यहाँ का जो प्रतिनिधित्व, आपदा प्रबंधन का एक स्वरूप क्या होगा, कितनी जरूरत होगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इस तरीके की आपदाएं अपने देश में भी आती रहती है और इसमें सेना तक की मदद बुलानी पड़ती है। हाँ। तो इसका स्वरूप बनने से क्या कुछ आम आदमी को, या जब ऐसी कोई आपदा आएगी तो ज्यादा सहूलियत रहेगी, वरना अपने देश ही नहीं पूरी दुनिया में। हाँ बिल्कुल, जब ऐसा सेंटर बन जाएगा और लोग उस पर बैठकर काम करेंगे तो कोई चीज जब आनी होगी पहले ही टाइम पे टाइम सुझाव उसमें आते रहेंगे, और कोई आपदा ऐसी आ रही है जिसको किनको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो सेंटर पे बैठकर काम कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहले ही पहुंच जाएगी, लोग अवेयर होंगे और उस चीज को पहले ही जहां पर जो चीजें रोकनी होगी वहां पर उसको रोक लेंगे कि हम आगे ये चीज नहीं करें, क्योंकि उसकी स्थिति और भी भयावह हो सकती है। वो स्थिति और भयावह ना हो तो हमारे सेंटर से जो लोग बैठकर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं उस पर काम करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम उस पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक उस पर रोकथाम तो कर सकेंगे। डॉक्टर सिंह, समय की अब जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री ने जो मुहिम चलाई है जल परियोजना, जल को रोकने के लिए अपना जो बरसाती जल है उसके लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाया गया है पेयजल के लिए, और इसके साथ ही जो काम किया जा रहा है पवन वायु बिजली बनाने के लिए, सौर से, जल से, इन सब चीजों के साथ हम लेकर संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक नई पहल का आह्वान भी किया है पूरे देश में कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे हम पूरी तरीके से निर्भर बिल्कुल ना रहें, उसे छोड़ें, उससे आगे बढ़ें। कौन कौन सी और जरूरतें हैं जिनको हमको अपने साथ लेकर बैलेंस बनाकर आगे चलना होगा, क्योंकि हम अपनी पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं ये आज ही हमको तय करना होगा। मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि देखिए पहले तो हम आ जाएं कि हम ये स्थितियां पैदा कैसे हुई, कौन कौन उसके कारक रहे मुख्य कारक। देखिए विकास होगा तो धीरे धीरे, मुख्य कारण तो यही कि हमारी जो जनसंख्या वृद्धि, वो जनसंख्या वृद्धि मेन मुख्य कारण है, लेकिन उसके साथ ही सभी देशों में है विकास चलेगा, और विकास चलेगा तो उसमें हमें सबसे बड़ा एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर दो ऐसे हैं जो कि कारक 74 से 75% इन्हीं के द्वारा ये प्रदूषण जो भी हो रहा तरह तरह के उसमें, चाहे जलवायु के परिवर्तन में जो भी है, यही कारक है। अब इस पर आ जाइए कि हमें इनके थ्रू जो भी, जैसे अब ये एक सबसे बड़ी प्लास्टिक की है, प्लास्टिक अब उसको जल्दी डिग्रेड होता ही नहीं, ये अगर लगा दिए तो हो सकता है कि हजारों साल वो उसी में पड़ा रहेगा पृथ्वी के अंदर, और जिस क्वांटम में उपयोग हो रहा है तो ये तो बहुत खतरनाक है, आगे आने वाली खेती भी नहीं हो सकती। सारी चीज़ें समुद्र के पूरे तलहटी में अगर देखा जाए, फेंका जाए, ये नदियों और इसी थ्रू हो जाता है, तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रधानमंत्री जी ने इस पर जिक्र किया, पूरे विश्व के लिए इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ जल संरक्षण का बहुत ही उपयोग करना बहुत ज़रूरी, जिसे जल शक्ति योजना विभाग ही खोल दिया हमारे प्रधानमंत्री, मंत्रालय एक अलग से चला दिया जल संरक्षण के लिए काम करना है, जैसा कि अभी 50 मिलियन तक प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको इसमें $50 मिलियन तक खर्चा करना है, अभी करना ही है, और पूरे विश्व को एक दिशा दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मैं तो ये कहूंगा अगर सब लोग इसमें जुट जाएं और धीरे धीरे ये आने लगा। एक बड़ी मार्किंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2008 में मैं अमेरिका किसी उसमें कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहां मैंने एक उससे कलेक्शन किया, लोगों से एक जनरल पूछा, तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ के लोग ये सब, ये जो कहा जा रहा ये सब ग्लोबल वार्मिंग और ये सब साइंटिफिक लोगों का एक वो है, शोशा छोड़ रहे हैं और ये कहीं कुछ नहीं है, जिसमें आपको सोचिए कि
58% ऐसे लोग मिले कि जो इसके बारे में जिक्र, 42% कह रहे हैं हाँ कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है। तो अगर ये चीजें विकसित देश इसको इग्नोर करेंगे, ये तो नीचे तक जाना चाहिए, छात्रों तक जाना चाहिए, आने वाली पीढ़ी तक इसका जन आंदोलन हो कि आने वाली पीढ़ी को क्या हम दे के जाएंगे। अगर है ये सारी चीजें हम खत्म कर देंगे पृथ्वी और से और इसको इस तरीके विनष्ट कर देंगे तो पृथ्वी स्वयं में इतने बड़े तूफान, ये फ्रिक्वेंसी देख ली अर्थक्वेक अभी 6:05 अभी आया दिल्ली केंद्र रावलपिंडी दिल्ली में भी उसके कुछ प्रकृति तो अपना रंग दिखा देती है, अगर उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो अभी कभी धुंध छाई रहती है, कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लोगों की बीमारियां जिस तरीके से हार्ट अटैक होते हैं ठंड में या गर्मी के कारण या अन्य तूफान जो आते हैं ढेर सारे, प्रकृति तो अपना नेचर दिखा रही है कि उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। अब ऐसे में क्या कुछ जरूरतें हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि पेरिस जलवायु जो सम्मेलन हुआ था उसके बाद भारत और स्वीडन के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और क्या क्या चीज कर रहा है और किए जाने की अभी और क्या क्या जरूरत है। देखिए प्रकृति तो अपना रूप टाइम पर हमें दिखाती है और हम लोग सोचते हैं कि उस पर हम लोग ये काम करेंगे। कई बार हम जो प्लानिंग करते हैं उसमें कई बार सक्सेसफुल होते हैं, कुछ पॉइंट्स को तो हम लोग अचीव कर लेते हैं कि हाँ ये जो हमारे पॉइंट्स हैं हमने इसको कर लिया, पर उसमें फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो जो पेरिस में 2015 में जो समिट हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम एनर्जी का जो यूसेज है रिडक्शन है उस पर करेंगे, पॉपुलेशन रिडक्शन उस पर करेंगे, जो वाटर का जो रिसोर्सेज हैं वाटर जो क्राइसिस है हम उस पर काम करेंगे। तो काफ़ी हद तक इस पर काम तो हुआ है और इस काम को पूरा करने के लिए हमें तो सबसे पहले जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके तक हमें अवेयरनेस, उनको जागरूक करना है, एजुकेट करना है, जिसमें कि हम काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं। और जो हमारा एनर्जी का जो क्राइसिस था, हम जो मीथेन गैस जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन गैस है जो मेनली ग्रीन हाउस गैस कहलाती है कि इसके उत्सर्जन से इसके इमिशन से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होती है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम होती है, तो उसको काफ़ी हद तक तो हम लोगों ने रिड्यूस किया है और काफ़ी हद तक हम लोगों ने उस पर कंट्रोल तो कर लिया है, पर अभी भी हम लोग को उस पर बहुत हद तक काम करना है। टाइम टू टाइम जैसे दिल्ली में और वर्ल्ड लेवल पे जो ये WHO की रिपोर्ट आई थी कि जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है दिल्ली में, तो लोगों ने शुरू किया कि जो हम ये ऑड इवन फार्मूला वहाँ पे ऑड इवन फार्मूला उन्होंने लागू किया वहाँ पे और उन्होंने बोला कि जो ये किसान पराली जलाते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जबकि जो रिपोर्ट के हिसाब से जो उन्होंने बताया उसमें बताया कि जो रिपोर्ट में कि जो पराली है वो तो बहुत कम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, सिर्फ 4% देता है, जो हमारी ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल वो जो हेवी गाड़ियां हैं जैसे ट्रक हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऑड इवन जो गाड़ियां चलाई गई वो एक अच्छा सजेशन है। साथ ही साथ जो हम बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बायोफ्यूल से जब हमारी जो बायोफ्यूल, क्योंकि ये क्लीन टेक्नोलॉजी कहलाती है जो बायोफ्यूल की है, तो जब ये क्लीन टेक्नोलॉजी है इसमें तो हम इसमें कोई भी हार्मफुल गैसेस हैं जैसे मीथेन गैस वगैरह है हम इसको प्रोड्यूस नहीं करते। जब इसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं होती, काफ़ी कम हो जाती है, जिसको नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, तो इसका जो क्लाइमेट चेंज पे जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो परसेंटेज होता है, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो उस इन सब चीजों को करने से हम उसको काफी हद तक कंट्रोल तो कर सकते हैं और हमने किया भी है, पर अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। डॉक्टर सिंह एक और जानना चाहेंगे, प्रकृति के जो रंग दिखाया प्रकृति ने वो सब लोगों ने देखा और देख ही रहे हैं लगातार, क्या इसके कारण मानव के ऊपर भी सीधे कोई फर्क पड़ता है? जैसे अब आमतौर पर देखा गया है पहले की तुलना में, पहले अगर 5 दशक पहले की अगर बात करें और अब की दशक की बात करें, आज जो है आदमी बीमार ज्यादा रहने लगा, स्टेमिना लोगों का कम हो गया है और आए दिन कहीं ना कहीं कोई बीमारी की खबर सुनने को मिल जाती है, हर आम आदमी किसी न किसी रोग से पीड़ित रहता है। तो क्या ये भी जलवायु परिवर्तन के कारण उसका कहीं ना कहीं आंशिक अंश है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न उठाया है। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि दो कारक इसके और हैं, एक तो ओजोन लेयर में जो परत में छेद हुआ उससे जो हमारी इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सीधे जो हैं शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक, किसी भी जीव के लिए जीवाश्म के लिए बहुत ही हानिकारक, उससे कैंसर और तमाम बीमारियां होती थी। अब रह गया कि अगर हम वायु प्रदूषण की बात
करें जिसमें तमाम अवयव हाइड्रोकार्बन के जलने और जो भी जिस तरीके से चाहे अब फॉरेस्ट जल रहा है, इन सबसे भी तमाम ये दिक्कतें होती हैं। तो वायु प्रदूषण से अगर अब देखा जाए जो PM 2.5 जिसको हम 60 कहते हैं और अगर हम 400 उसका मापदंड मिल रहा है पर्टिकुलर मैटर दिल्ली और लखनऊ जैसे शहर में जो कि हम लोग विश्व के उसमें भी आंकड़े में आ गए, तो आप सोचिए कि हम तो सिगरेट जो है 40-50 सिगरेट बिना पिए हुए डेली पी रहे हैं। इससे आयु बहुत कम हो रही, कितनी भी दवा और करें इससे फसलों पर भी इसका नुकसान पड़ रहा है, प्रकृति में वन्य जीवों के साथ मानव वन्य जीवों का प्रभाव पड़ रहा है, इससे कोई जो अछूता नहीं रह गया है, सभी जीव अछूते रह गए। आज जो है हमारे पास समय इतना ही था, आप लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए आप लोगों का आभार। तो बिल्कुल हम इसी उम्मीद के साथ आज की चर्चा को विराम लगाते हैं कि आने वाले दिनों में पूरा देश पूरा विश्व एक साथ मिलकर इस जन आंदोलन में जलवायु परिवर्तन में जुड़ेगा और नेचर को बचाने के लिए एक सामूहिक मुहिम होगी। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कुछ छोड़ जाएंगे उसे हमें आज ही तय करना होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।